लंपी स्किन की बीमारी ने पूरे पंजाब दे विच गाइयां नूं अपनी चपेट दे विच लै लिया और यह जिहड़ी बीमारी है जिहनूं तफड़ी रोग कहा जाता है इहदे नाल गाई दे शरीर ते तफड़ी हो जाती है ते उस तों बाद खून रिसण लग पैंदा ते गाई बीमार होकर जिहड़ी खाणा पीना छड्ड दिंदी है ते उस तों बाद गाई की जिहड़ी मौत हो जाती है। गौशालां दे विच गाइयां रखियां होईयां ने जां लोकां ने अपने घरां दे विच गाइयां रखियां होईयां ने उहनां दा इलाज तां जिहड़ा है नाल दी नाल जिहड़ा है कीता जा रिहा। काफ़ी हद तक कई गाइयां ठीक भी होईयां ने क्योंकि इहदे मेडिसिन जिहड़ी है इहदा जिहड़ा वैक्सीनेशन है बहुत घट तादाद दे विच जिहड़ी आ रही हैगी है। पर यह खबर दिखाने का मकसद यह है कि जिहड़ी आवारा गाइयां ने आवारा पशु ने जिहड़े हैगे उहनां दा ध्यान जिहड़ा है नहीं रखिया जा रिहा जिहदे करके गाइयां बीमार होकर मर रहीयां ने। सो जिस तरीके नाल गौशाला दे विच गाइयां दा ध्यान रखिया जा रहा या लोग अपने घरां दे विच घरेलू गाइयां जिहड़ियां उहनां दा इस्तेमाल उहनां नूं ठीक कर रहे ने इसे तरीके नाल जिहड़े आवारा पशु है प्रशासन नूं इहनां वल भी ध्यान देना चाहीदा तां जो इहनां दी भी जान जिहड़ी है बचाई जा सके। सो अज इस दे बारे जदों SDM श्री आनंदपुर साहब नाल गल कीती तां उहनां ने इह कहा कि नगर कौंसल श्री आनंदपुर साहब दे नूं इक आदेश दित्ते जाणगे उहनां नाल गल करके टीमां बनाईआं जाणगीआं तां जो इहनां गाइयां नूं इक थां इकट्ठा करके डॉक्टर वालों जिहड़ा इहनां नूं ट्रीटमेंट कीता जाए ते इहनां गाइयां दी जिहड़ी हालत है सुधारी जा सके। कैमरामैन कमल के नाल विमल कुमार जी मीडिया श्री आनंदपुर साहिब।